नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स की अगुवाई में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुल्तानपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अर्चना सिंह ने अपने बाहुबली भाई सोनू और मोनू को राखी बांधी, साथ ही उनका मुंह मीठा कराया। सुल्तानपुर में होमगार्ड विभाग की तरफ से अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बाइक के जरिए होमगार्ड्स ने पूरे शहर में रैली निकाली। सुल्तानपुर में भारत पाकिस्तान विभाजन की यादों को ताजा करने के लिए प्रधान डाकघर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। सुल्तानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमेठी गैस सर्विस संचालक ने घर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों से अपील की। सुल्तानपुर में बल्दी राय थाना क्षेत्र के वलीपुर कस्बे में मौजूद मदरसा जामिया मुस्तफा कादरिया इब्राहिमपुर के बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी शिरकत की। सुल्तानपुर में कुड़वार ब्लॉक के अलीगंज बाजार में मौजूद निर्माण पब्लिक स्कूल के बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली और सभी से अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने शहीदों की याद में पदयात्रा की। आपको बता दें कि पदयात्रा 9 अगस्त को शुरू हुई है और 15 अगस्त तक जारी रहेगी। सुल्तानपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य गौरव शुक्ला ने डीएम रवीश गुप्ता और एसपी सोमेन वर्मा को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। इस मौके पर सीआरओ शमशाद हुसैन और एसडीएम सीबी पाठक भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिलाधिकारी को राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। इसी के साथ डीएम ने सभी बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। अमेठी में कमरौली पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली और इसी के साथ इलाकाई लोगों को हर घर तिरंगा के लिए जागरूक किया। अमेठी के जगदीशपुर में चाय के होटलों पर बाबा बुलडोजर छाप कप में चाय दी जा रही है, जिसे ग्राहक बड़े मजे से पी रहे हैं। अयोध्या में प्रेस वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के मंडल उपाध्यक्ष ऋषिकेश शुक्ला ने न्यू बचपन प्ले स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाजसेवी अखिलेश सिंह पर्वत और जगदीश प्रसाद शुक्ला भी मौजूद रहे। अयोध्या में रायबरेली रोड पर मौजूद एमबी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अमृत महोत्सव के मद्देनजर प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर भारत माता के जयकारे लगाए। अयोध्या में सावन की पूर्णिमा पर हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु फूलचंद की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने डॉक्टर को दिखाया, जिससे उनकी जान बच सकी। बहराइच की नई तहसील परिसर में होमगार्ड कमांडेंट हरिशंकर राय ने होमगार्डों की परेड करवाई, जिसे एसडीएम महेश कुमार कैथल और ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बलरामपुर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर एसपी ने मैराथन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर में 50वीं वाहिनी बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने बदर पब्लिक स्कूल में छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया। कानपुर देहात की बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह ने अखिलेश यादव को राखी बांधी और अखिलेश यादव ने भी उनकी रक्षा का प्रण लिया। कानपुर देहात के बिल्हौर विधानसभा की सपा नेता रचना सिंह ने अपने कार्यालय पर रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को राखी भी बांधी। मुरादाबाद में थाना क्षेत्र मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत सलेमपुर में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।